नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु समूह में भारत की सदस्यता का किया समर्थन, NSG सदस्यता से भारत को होगा व्यापक लाभ। देश में नहीं रुक रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं, अखिल पूर्वोत्तर कानूनी समूह ने कानून बनाने का किया मांग। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने यह जानकारी साझा की। आपको बताते चलें, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG 48 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना साल 1975 में की गई। परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक NSG के दायरे में ही आता है। भारत में इस समय परमाणु संयंत्र लगाने का कार्य जोरों से चल रहा है। अगर इस समय NSG की सदस्यता मिलती है तो भारत अपने काम में और तेजी ला सकता है, लेकिन NSG की सदस्यता के लिए भारत को कई शर्तों को मंजूर करना पड़ेगा, जिसमें परमाणु परीक्षण न करना भी शामिल है। भारत इससे पहले मई 2016 में NSG सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया था, जहां पर समूह के अधिकतर देशों ने भारत का समर्थन किया, लेकिन चीन ने भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने का आरोप लगाकर भारत की सदस्यता पर रोक लगाने की मांग किया था। परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। इस संधि की घोषणा वर्ष 1970 में की गई थी। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देश इसके पक्ष में हैं। इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते। पिछले महीने में एक सप्ताह के भीतर असम में 2 लोगों को भीड़ ने जान से मार दिया था। इसी को ध्यान में रखकर अखिल पूर्वोत्तर कानूनी समूह ने मांग किया है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो विशेषकर मॉब लिंचिंग को रोकने में कारगर हो। आपको बताते चलें, जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए या मात्र अफवाहों के आधार पर बिना किसी अपराध किए ही पीट कर मार दिया जाए तो भीड़ के इस कृत्य को ही मॉब लिंचिंग या सामूहिक नरसंहार कहा जाता है। इस प्रकार की हिंसा में किसी भी प्रकार के कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। भारतीय दंड संहिता में भी मॉब लिंचिंग के संबंध में कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है, इसलिए मॉब लिंचिंग के घटनाओं पर धारा 302 हत्या, धारा 307 हत्या का प्रयास और धारा 323 जानबूझकर घायल करना इत्यादि धाराओं के तहत ही न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाती है। कहने का मतलब है, अभी तक आम हत्या और मॉब लिंचिंग को कानून की दृष्टि से समान माना जाता है। आवश्यक है कि इन दोनों को कानून की दृष्टि से अलग अलग परिभाषित किया जाए। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मॉब लिंचिंग के शिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। यही कारण रहा कि साल 2019 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 163 देशों में से 141वें स्थान पर रखा गया। इस तरह की रैंकिंग वैश्विक स्तर पर देश की छवि को धूमिल करती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को सार्थक प्रयास करना चाहिए। पिछले दिनों महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों को सैकड़ों लोगों की भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया था। वहीं 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में बीफ खाने की अफवाह पर अखलाक की हत्या कर दी गई थी। साथ ही 2018 में बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का मर्डर भीड़ द्वारा किया गया था। ये सारे कृत्य मॉब लिंचिंग के ज्वलंत उदाहरण हैं। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जनवरी 2021 में एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा 3 जून को कर दी गई।
द ग्रेट रीसेट थीम पर आधारित यह अद्वितीय ट्विन समिट स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी। इस 51वें WEF शिखर सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर के 400 शहरों से वर्चुअल लिंकअप के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित की जाने की उम्मीद है। WEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, इस COVID-19 संकट ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए दुनिया भर में परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई तकनीक मानव केंद्रित रहे, जिससे समस्त मानव समाज की सेवा की जा सके। आपको बताते चलें कि 50वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2020 में स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड थीम पर किया गया था। इस सम्मेलन में 117 देशों के 50 से अधिक प्रमुखों के साथ अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति ने भी भाग लिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। यह फैसला एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया गया। यह घटना नॉरिल्स्क के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुआ, जो मास्को से लगभग 3,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ईंधन को आम्बर नदी में मिलने से रोकने के लिए अवरोधक और तमाम उपाय किए गए हैं, क्योंकि इस नदी से एक झील मिलती है जो आगे जाकर दूसरी नदी में मिलती है। फिर यह नदी पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील आर्कटिक महासागर की तरफ जाती है। अगर नदी में डीजल के बहाव को नहीं रोका गया तो मछलियों और अन्य जलीय जीवों को भारी क्षति होगी, जिसका आकलन लगभग $13 मिलियन किया गया है। 5 जून को एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC की महिला फुटबॉल समिति की संपन्न हुई बैठक में फैसला लिया गया कि महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी अखिल भारतीय फुटबॉल करेगा। साल 1979 के बाद पहला मौका होगा जब भारत इस खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। आपको बताते चले कि इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें पिछले चरण की 8 टीमों से बढ़ा दिया गया है। बतौर मेजबान भारत सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। गौरतलब है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भी अखिल भारतीय फुटबॉल को सौंपा गया है। नवंबर 2020 में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता COVID-19 महामारी की वजह से 2021 में आयोजित की जाएगी। इससे पहले भारत ने 2016 में AFC अंडर 16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। रूसी भाषा दिवस को रूसी कवि अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने इस दिन को रूसी भाषा दिवस के तौर पर चुना। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस का शुभारंभ साल 2010 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की 6 अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल, फ्रांसीसी भाषा दिवस 20 अप्रैल और रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से 5 जून 2020 को केंद्रीय विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइकमिट अभियान की शुरुआत की है। इस पहल से सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों को एकजुट किया जा रहा है। 7 जून 2020 को वैश्विक स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2018 को प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया था। साल 2020 में इसकी थीम खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार रखा गया है। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के जरिए अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निगमों और गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।
हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया। अनिल सूरी ने कर्मयोगी, राजतिलक जैसी मशहूर फिल्मों का निर्माण किया था। साल 1991 में राजेश खन्ना, फराहनाज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का भी निर्देशन अनिल सूरी ने किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।